शर्म तो नहीं आती तुम्हें? किसी दूसरे के घर में इस तरह घूमती फिरती रहती हो? इस खानदान में एक तो हमारे बीच में आकर तुम चिपक गई हो हमसे, ऊपर से हर वक्त नजरों के सामने रहती हो। जाओ जाकर दफा हो, किसी सर्वेंट क्वार्टर में जाकर अपना मुंह छुपाओ। रेहान की माँ कोई नौकरानी नहीं हो कि सर्वेंट क्वार्टर में जाकर मुंह छुपा लूंगी। और ये हर बात पे क्या बेशर्मी का ताना देती रहती हैं? बेशर्म तो आपकी वो बहू है, इतना सब कुछ जान लिया फिर भी आपके बेटे से खुला नहीं ले रही, चिपक कर तो वो बैठ गई है। तुम इंसान नहीं हो, शैतान हो। खुदा तुम्हारे मकसद में ना तुम्हें कभी कामयाब नहीं करेगा। तो रेहान को हमारी कमजोरी बनाकर इस घर में अपने पांव जमा लिए, लेकिन जब उसका इंसाफ आएगा ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच लेगा वो और तुम मुंह के बल गिरोगी। खैर अभी तो जमीन सलामत है। आप अपनी बहू को लेने गई थी ना, नहीं आई। उसका गुस्सा चिड़चिड़ापन मुझ पर निकाल रही हैं आप। क्यों जाती हैं? आपकी भी तो कोई इज्जत है ना, नहीं आना तो ना आए। आज तक उसने दिया ही क्या आपको, आपके खानदान को, आपके बेटे को? एक वारिस तक तो दे नहीं सकी, और मैंने रेहान जैसा पोता दिया आपको। आपको उसके पीछे भागने की बजाय ना मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी इतनी जुर्रत के तुम अनीशा से अपना मुकाबला करो? तुम में और अनीशा में जमीन आसमान का फर्क है, तुम उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। आपका ये गरूर भी खाक में मिला दूंगी मैं। यकीन रखे मेरा, मैं रात के लिए चाय बनाई है, ठंडी हो जाएगी। वैसे अगर आप मेरा कुछ बिगाड़ सके तो बिगाड़ लें, रोक के दिखाएं मुझे। कमरे में जा रही हूँ चाय देने।